हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर शॉप पर। और आज हम बात करते हैं गूगल वर्क स्पेस का आउटलुक में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि गूगल वर्क स्पेस के ऊपर आप अपनी मेल आईडी कैसे कॉन्फ़िगर करें, कैसे परचेज करें और उसको एक्टिव कैसे करें। आज के इस वीडियो में आउटलुक से कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, क्योंकि आउटलुक बहुत अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको, इसलिए ज़्यादातर लोग अपना ईमेल आउटलुक में चलाना पसंद करते हैं। इसके लिए आउटलुक में कॉन्फ़िगरेशन का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। आप गूगल में सर्च करेंगे हाउ डू आई सेटअप गूगल वर्क स्पेस विद माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। इसमें जो पहला पॉइंट है अलाउ यूजर टू एक्सेस लेस सिक्योर ऐप, और इसके लिए आपको सिक्योरिटी लेस सिक्योर ऐप को इनेबल करना होगा। आप अपने एडमिन में जाने के बाद ये सिक्योरिटी का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ओवरव्यू पर क्लिक करें, और ओवरव्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर लेस सिक्योर ऐप का एक ऑप्शन दिख रहा है। इसके लिए आपको सेकंड टाइम अपना पासवर्ड डालना है। अब यहाँ पर जैसे मैं अभी अलाउ किया था तो ये ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट वाला डिसेबल वाला ऑप्शन है वह रहता है, आप इसको इनेबल करेंगे और उसके बाद आप यहाँ मेल पर आए, और मेल पर आने के बाद यहाँ गूगल सेलेक्ट करें, और गूगल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपनी मेल आईडी डालनी है। ये मेल आईडी आप डालें, पासवर्ड डालना है, और आपको यहाँ पर कुछ अलाउ के लिए ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर आपको अलाउ करना है। बस यही सिंपल स्टेप है। इसके बाद आपका जो गूगल वर्क स्पेस है वह आउटलुक में कॉन्फ़िगर हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका है। ये सब स्टेप फॉलो करके आप किसी भी गूगल वर्क स्पेस को आउटलुक से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लेस सिक्योर ऐप को इनेबल करना है, और उसके बाद यहाँ पर आप इसको यूज करें। अगर कोई भी क्वेरी या कंफ्यूजन होता है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप आउटलुक में कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, जैसे कि आप एडमिन सेक्शन में जो पॉप का इनेबल और डिसेबल होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉरवर्डिंग में जाए पॉप इनेबल होना चाहिए, आई मैप इनेबल होना चाहिए। ये सब अगर आप पहले से ही इनेबल करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।